तो अभी हम लोग जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पर कुछ बात करेंगे, है ना। कुछ जो थ्योरम्स है उसके बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है ये तो एमसीक्यू का है, ठीक है। तो इसलिए ये जो थ्योरम्स है इसको प्रूफ करने के लिए तो कोई नहीं कहेगा, है ना। थ्योरम्स का जो प्रिंसिपल्स है उसको जानना ज़रूरी है, और जो प्रिंसिपल का जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट है, उसको जानना ज़रूरी है। उसको प्रूफ करने के लिए तो पूछा नहीं जाएगा, प्रूफ तो करना है नहीं क्योंकि एमसीक्यू है। तो इसलिए अभी हम प्रूफ करने के लिए नहीं बताएंगे, पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे थ्योरम को, और थ्योरम का जो आउटकम है उसके बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि एग्ज़ाम क्वेश्चन तो उसी तरह से आएगा। यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कहा ही नहीं जाएगा, इसलिए प्रूफ करने के लिए अभी जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम लोग जो पहला थ्योरम है सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, उसमें जो है ए ए ए सिमिलैरिटी मतलब ट्रायंगुलर हो गया। तीनों एंगल्स जो है, कोई भी दो ट्रायंगल लेंगे, जैसे ये ट्रायंगल एक ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। कैसे इक्वल है? ये एंगल ए जो है, ये एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, ठीक है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है ना, इसलिए अलग अलग मार्क किए। एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। तीनों ही एंगल जो है इक्वल है, दोनों ट्रायंगल दोनों का शेप सेम है, साइज डिफरेंट, ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, दोनों का तीनों ही एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है सेम है। तो कहता है कि अगर इस तरह का रहेगा तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही सिमिलर हो जाएगा, दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दोनों ही सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है ये भी जानना पड़ेगा। सिमिलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है वो उसका जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एंड देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर क्या है, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, लिखते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है, जैसे कि ये तीनों है तो क्या क्या होगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, एंड सिमिलर होने के साथ साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका जो प्रोपोर्शनल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा मतलब इसका इसका रेशियो जो होगा इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हुआ उसको कैसे हम लिखेंगे, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी, ए सी अपॉन डी ई डी एफ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बी सी अपॉन ई एफ, यही होता है। अगर ये तीनों एंगल सेम है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हुआ, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हुआ तो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गया, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये हुआ पहला थ्योरम, ठीक है। दूसरा थ्योरम है ए ए सिमिलैरिटी। ए ए सिमिलैरिटी का मतलब हुआ कि सिर्फ दो एंगल सिमिलर है, सिर्फ क्या है, दो एंगल सिमिलर है, तीसरा के बारे में बात नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो मान लेते हैं कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है। हम इसका बात कर रहे हैं ए सिमिलैरिटी, सेकंड थ्योरम ए सिमिलैरिटी। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। उसमें हम लोग बात किए थे कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। सेकंड थ्योरम में कह रहा है कि नहीं, तीन नहीं, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। बहुत सिंपल है इसको प्रूव करना। दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रायंगल में कितना एंगल्स होता है? तीन ही होता है। किसी भी ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? थ्री होता है। उसमें से बता रहा है कि दो इक्वल है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि कितना भी बड़ा ट्रायंगल हो, कितना भी छोटा ट्रायंगल हो, उसके तीनों ही एंगल्स को अगर मिला देंगे, अगर उसका सम निकालेंगे, तो वो 180 के बराबर होगा, वो 180 के बराबर ही होगा। तो जब दो ट्रायंगल इक्वल हो गया, दो एंगल्स इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, और तीसरा जब ऑटोमेटिकली इक्वल होगा तो ट्रायंगुलर हो जाएगा, है ना, ट्रायंगुलर हो जाएगा। तीनों एंगल जो इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल होगा, तीसरा इक्वल हो ही जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ इस दोनों में, दोनों थ्योरम एक ही है। अगर तीन ट्रायंगल तीन एंगल बोल रहा है कि सिमिलर है, सेम है, तो भी बात हो गया कि वो सिमिलर हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है का जो रेशियो है, रेशियो है इक्वल होगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो दो अगर इक्वल हो गया, एंगल ए और डी इक्वल हो गया, एंगल बी और ई इक्वल हो, तो भी ये दोनों सिमिलर हो गया। मतलब अब दूसरे में हम क्या करेंगे कि ये मान लेंगे ये इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो भी ये सिमिलर ट्रायंगल है। और जब सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, क्यों सिमिलर हो जाएगा? क्योंकि दो जब एंगल इक्वल होगा तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना। ये दोनों का सम, ये दोनों का सम सेम हुआ, तो इस दोनों का सम सेम होगा तो तीसरा जितना निकलेगा उतना ही यहाँ भी तीसरा निकलेगा, क्योंकि तीनों मिलाकर तो 180 ही होता है, ये तीनों एंगल मिला के 180 है, तो ये दोनों के सम को 180 माइनस करेंगे तभी मिलेगा। उसी तरह से इस एंगल को निकालना है तो ये 180 माइनस कर देंगे इस दोनों को, तभी ये एंगल निकलेगा। तो दोनों में तो 180 में सेम चीज़ माइनस कर रहे हैं, ये दोनों सेम है दोनों जगह, इसलिए दोनों जगह क्या आएगा? सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, जब ये सिमिलर हो जाएगा तो यहाँ भी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएगा। ए बी बाय डी एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ठीक है, ए बी बाय डी ई होगा, ए बी बाय डी ई, ए सी बाय डी एफ, बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय ई एफ, ये हमारा दो थ्योरम हो गया। ठीक है, तो सिर्फ आउटकम के बारे में बात करना है, प्रूफ करने अभी सीखना नहीं है। तो हम लोग जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में तीसरा थ्योरम देख रहे हैं। तीसरा थ्योरम है एस 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 सिमिलैरिटी। क्या है एस 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 सिमिलैरिटी? एस एस सिमिलैरिटी का मतलब होता है साइड 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 सिमिलैरिटी, मतलब तीनों साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है दो का इक्वल है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल डी ई एफ है, ठीक है ना। तो इसमें जो है प्रोपोर्शनल है, तो क्या कह रहा है कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब हुआ कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है इक्वल है। तो ए बी और डी हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, ए बी और डी हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ए बी और डी ई का जो प्रपोज जो रेशियो है वही हुआ ए सी और डी एफ है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ए सी और डी एफ का रेशियो निकालेंगे। फिर बी सी और ई एफ हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बी सी और ई एफ भी हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो बी सी और ई एफ का भी रेशियो निकालेंगे, ये तीनों रेशियो इक्वल होगा। वही लिखे हैं इफ ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ टू बी सी बाई एफ, ठीक है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, प्रोपोर्शनल का ही मीनिंग होता है।
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही है कि उसका जो साइड है उसका जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। इसलिए ए बी बाई डी ए बी बाई डी ई ए सी बाई डी एफ ए सी बाई डी एफ बी सी बाई ई एफ बी सी बाई ई एफ तीनों इक्वल है। ये तीनों जब इक्वल हो जाएगा रेशियो तो तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसलिए एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर हो गया, एंगल बी जो है ई के बराबर हो गया, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर हो गया। और जब तीनों ही एंगल इक्वल हो गया तो ट्राइंगुलर हो गया, ठीक है ना, ट्राइंगुलर हो गया है ना, क्योंकि इक्वल हो गया इसलिए ये हो गया सिमिलर ट्राइंगल। इसीलिए ये ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब तीसरा है थ्योरम एस ए एस साइड एंगल साइड। एस ए एस का मतलब क्या होगा, साइड एंगल साइड, यानी सिर्फ एक एंगल इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाला जो दोनों साइड है उसका जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, उस एंगल को बनाने वाला जो साइड है दोनों उस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। अगर ऐसा होता है तो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि तीनों एंगल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे कि वन एंगल मान लेते हैं कि एंगल ए जो है डी के बराबर है। तीसरा केस में क्या मान लेते हैं, एंगल ए जो है डी के बराबर है। इस एंगल ए को ये एंगल ए किसको इंक्लूड कर रहा है, ए बी को और ए सी को। इंक्लूड करने का मतलब हुआ जिस साइड से ये बनता है एंगल, तो एंगल ए को बनाने के लिए ए बी और ए सी की ज़रूरत है। मतलब एंगल ए जो है ए बी और ए सी को इंक्लूड कर रहा है, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। और एंगल डी किस साइड को इंक्लूड कर रहा है, डी ई को और डी एफ को। यानी एंगल डी बनाने के लिए डी ई चाहिए, डी एफ चाहिए। तो एंगल ए और डी को बनाने के लिए जो इंक्लूडिंग साइड्स है उसका रेशियो हम निकालेंगे, उसका हम रेशियो निकालेंगे, मतलब उसके साइड्स का, ये जो इंक्लूडिंग साइड्स है एंगल को इंक्लूड करने वाला, एंगल जो इंक्लूड कर रहा है जिस साइड को, उस साइड का जो रेशियो है, उस साइड का जो वो साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी उस साइड का रेशियो जो होता है इक्वल होता है। इसलिए एंगल ए और डी इक्वल है और उसका जो साइड है ए बी डी ई उसका रेशियो निकाले, ए सी और डी एफ का रेशियो निकाले, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल एक एंगल एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर है। एंड द साइड्स और जो साइड है इंक्लूडिंग दीज एंगल्स और वो साइड जो इस एंगल को इंक्लूड करता है और वो साइड जो इस एंगल को इंक्लूड करता है, यानी वो साइड जो इस एंगल को क्रिएट करता है बनाता है वो प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गया। तो वही लिखे एंगल ए और डी एक ही एंगल इक्वल है और इस एंगल को बनाने वाला ये दोनों साइड है, इस एंगल को बनाने वाला ये दोनों साइड है। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब साइड का रेशियो निकाल लिए, ए बी बाई डी ए सी बाई डी एफ, ठीक है, इक्वल है। तो तीनों एंगल जो है इक्वल हो गया, और तीनों एंगल जब इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो चार थ्योरम पढ़ लिया, एक और बचा है उसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ध्यान नहीं देना, इसको प्रूफ करने के लिए कोई पूछेगा नहीं, बस इसका जो एंजम्पशंस क्या है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है और इसका आउटकम क्या है, बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये जो एक पाँचवा थ्योरम है इसको पढ़ना है। ये जो फिफ्थ थ्योरम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, बोलता है कि सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, जिसमें ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है ये 90 डिग्री है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस होगा, लेंथ होगा, जो भी हो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होता है वही ना हाइपोटेनस होता है। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस हुआ ना, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो कहता है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, उसमें राइट एंगल कौन है, ये ट्रायंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है,
ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। मान लिया कि एंगल ए जो है 90 डिग्री है, एंगल ए जो है 90 डिग्री यानी एंगल बी ए सी 90 है, तो कहता है जो एंगल 90 है ना उसी से एक लाइन खींचना है, उसी एंगल से एक लाइन खींचना है हाइपोटेनस के ऊपर, जो परपेंडिकुलर हो हाइपोटेनस, इस तरह से लाइन खींचना है कि वो लाइन पर हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। इसलिए एंगल ए से हमने एक लाइन खींचा और बी सी जो कि हाइपोटेनस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन हो गया, तो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू तो सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड ऑल्सो टू ईच अदर। तो क्या कहता है कि अब यहाँ पर तो तीन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बड़ा वाला हो गया ए बी सी, एक ट्रायंगल तो बड़ा वाला हो गया ए बी सी। उसके बाद जब ये परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं एंगल ए से हाइपोटेनस के ऊपर, तो दो ट्रायंगल बना ये और ये, तो तीन ट्रायंगल हमको मिला यहाँ पर। कहता है ये तीनों ट्रायंगल आपस में आपस में जो है सिमिलर है, ये तीनों ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर है। कैसे सिमिलर है ये अभी नहीं सीखना है, बस याद रखना है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में जो जिस एपेक्स पर 90 डिग्री है, जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री है, उसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे हाइपोटेनस के ऊपर। तो हम मान लें कि एंगल ए जो है यहाँ पर राइट एंगल है और यहाँ से हम खींच लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर लाइन राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से खींचेंगे हाइपोटेनस के ऊपर, ठीक है ना, तो क्या होगा कि उसमें जो ट्रायंगल होगा वो दोनों ट्रायंगल जो बनेगा नया, वो जो ए बी सी बड़ा ट्रायंगल है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसके इक्विलिब्रियम होगा और ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होगा यानी सिमिलर होगा, ठीक है, क्या होगा सिमिलर होगा। तो यही कहता है, तो हमने क्या लिया है एंगल, एक ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, उसमें एंगल बी ए सी 90 डिग्री है, एंगल बी ए सी 90 डिग्री है, उसके बाद एक ए डी जो है ड्रॉ कर दिए, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ किए, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ किए, यानी ए डी कहाँ से ड्रॉ किए हैं, उस वर्टेक्स से जिस पर 90 डिग्री का एंगल पहले से बना हुआ है, जो वर्टेक्स ए पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है उसी वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर। तो जब ऐसा फिनोमिनन होता है, ऐसा घटना घटता है, तो दो नया ट्रायंगल बनता है, एक दो और एक तो पहले से है बड़ा वाला ए बी सी, तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और ये दोनों भी आपस में सिमिलर है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है और ये ए डी जो है बी सी के परपेंडिकुलर है, अगर ऐसा कोई घटना घट रहा है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा सिमिलर होगा, यानी ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल डी ए सी दोनों ही सिमिलर होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एंगल ए बी डी जो है और ट्रायंगल ए बी डी ये जो है सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो पूरे इस ट्रायंगल का सिमिलर हो जाएगा, ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है ये वाला ये हिस्सा ये पूरे ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये पूरा ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा, तो वही लिखे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है ना, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू द ट्रायंगल ए बी सी। उसी तरह से लिखे हैं ट्रायंगल डी ए सी, ट्रायंगल डी ए सी ये हो गया पैरेलल टू पूरा हो गया है ना, इक्विलिब्रियम हो गया यानी सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर हो गया। तो ये सारे थ्योरम को याद रखेंगे तो हम आसानी से बना पाएंगे ट्रायंगल का क्वेश्चन, हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। ये सारे थ्योरम याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ओके, हैव अ नाइस डे।